कराची के इलाकों अवामी कॉलोनी और ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस मुकाबलों के दौरान चार डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगी टाउन के इलाकों में शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक हो गया। नाजमाबाद में सादा लिबास अहलकारों ने पीपल्स पार्टी के मकामी अहदेदार को हिरासत में ले लिया। शहर के इलाके अवामी कॉलोनी में लिंक रोड के करीब पुलिस ने शहरियों से लूट मार करने वाले दो डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी औरंगी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले डकैतों की शनाख्त अदनान और जहांजेब के नामों से हुई है। मुलजिमों के कब्जे से असलहा, 6 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद कर ली गई है। ख्वाजा अजमेर नगरी में भी पुलिस ने शहरियों से लूट मार करने वाले दो डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से फायरिंग के तबादले में मुलजिमान शदीद जख्मी हुए। उधर औरंगी टाउन में डकैती के दौरान अवैस नामी शख्स को जख्मी करने वाले डाकुओं को शहरियों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। डाकुओं के फरार होने वाले दो साथियों में से एक साथी को भी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शाहरा नूर जहां थाने की हदूद में सादा लिबास अहलकारों ने कार्रवाई करके पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेटर फैसल शेख को हिरासत में ले लिया। फैसल शेख के भाई के मुताबिक चार गाड़ियों में सवार सादा लिबास अहलकारों ने यह कार्रवाई की। इलाका पुलिस ने वाकये के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है।